बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ईच केस शो दैट द पॉइंट्स पी एंड क्यू आर ऑन द सेम साइड आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो दो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट साबित करना है कि ये लाइन की इस लाइन की एक साइड पे है या अपोजिट साइड, सेम साइड पे है या अपोजिट साइड। इस तरह बी में ये दो पॉइंट्स इस लाइन की सेम साइड पे है या अपोजिट साइड। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने ओल्ड बुक एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए बी सॉल्व की है और वीडियो इसके साथ अटैच की है। तो आप लोगों को देख ले और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। 4/2 पॉइंट पी है -4/2 और क्यू है 11 -3 और इक्वेशन है 5x + 14y - 11 इज इक्वल टू 0। पहले मैं ये पॉइंट पुट करता हूँ, फुट पॉइंट -4/2 एन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो 5 × -4 + 14 × 2 - 11 विच इज इक्वल टू -20 + 28 - 11। तो 20 - 28 - 20 = 8 आता है, 8 - 11 = -3 विच इज लेस देन 0। नाउ पुट पॉइंट क्यू 11 - 3 एन लेफ्ट हैंड साइड आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये हमारे आ जाएगा 5 × 11 + 14 × -3 और -11 विच इज इक्वल टू 11 × 5 = 55, 14 − 3 = -42 और -11 विच इज इक्वल टू 55 - 42 हमारे साथ आता है 13, -11 से आता है 12 विच इज ग्रेटर देन 0। ये लेस देन 0, ये ग्रेटर देन 0। सो पॉइंट -4/2 एंड क्यू 11 - 3 आर ऑन द अपोजिट साइड। Of the given line. Part number B है, ये 2 आता है, 13 - 11 से 2 आता है, ठीक है। पार्ट नंबर बी हमारे साथ है, पॉइंट है -3/5 और दूसरा पॉइंट है 1 - 2 और इक्वेशन हमारे साथ है 2x - 3y - 10 इज इक्वल टू 0। 2x - 3y - 10 इज इक्वल टू 0। पुट दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट पॉइंट -3/5 एंड लेफ्ट हैंड साइड आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये मेरे आ जाएगा 2 × -3 - 3 × 5 - 10 विच इज इक्वल टू -6 - 15 - 10 विच इज इक्वल टू -31 विच इज लेस देन 0। नाउ पुट इधर हमारे साथ वाई माइनस है लेकिन इधर प्लस करने की जरूरत नहीं क्योंकि इसे इधर रिक्वायर्ड ये नहीं है कि आप लाइन ऊपर है या नीचे है। इधर सिर्फ ये साबित करना है कि अपोजिट साइड पे है या सेम साइड पे, ठीक है। तो एक में हमारे लेस देन आ गया, अगर दूसरा भी लेस देन आ गया इसका मतलब सेम साइड, अगर एक लेस देन दूसरा ग्रेटर देन आ गया इसका मतलब है अपोजिट साइड, ठीक है। इधर मैंने -1 से मल्टीप्लाई नहीं किया लेकिन इधर ज़रूरत नहीं है,
इधर हमने ये साबित नहीं करना है कि अबाव द लाइन है या बिलो, सिर्फ ये साबित करना है कि दोनों फॉर्ड अपोजिट साइड पे है या सेम साइड पे है। नाउ फूटा क्यों वन व माइनस टू एन एन लेफ्ट हैंड साइड आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सो टू एन टू वन माइनस थ्री एन टू माइनस टू और माइनस वन विच इज इक्वल टू माइनस टेन है, ये माइनस वन नहीं बल्कि माइनस टेन है। टू एन टू वन माइनस थ्री एन टू माइनस टू माइनस टेन, तो टू आता है इससे और थ्री टू जर सिक्स आता है माइनस टेन विच इज इक्वल टू टू प्लस सिक्स से एट आता है, एट माइनस फोर से हमारे साथ एट माइनस टेन से हमारे साथ माइनस टू आता है विच इज़ लेस देन जीरो। सो फॉर माइनस थ्री व फाइव एंड क्यू वन माइनस टू आर ऑन द सेम साइड आप दी गेवन लाइन, तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ।